एक्सक्यूज मी, ये बॉस के साथ जो खातून थी क्या आप उन्हें जानते? जी जी, ये मुख्तार साहब की भतीजी हैं, वरीशा मैडम। इन्होंने आज से ही ये ऑफिस और मुख्तार साहब का बिजनेस ज्वाइन कर लिया है। और यूं समझ लीजिए आपके बॉस वहाद साहब की जगह अब यही मार्केटिंग डिपार्टमेंट देखेंगे। थैंक यू। भाभी, क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रही हैं? नहीं नहीं, परेशान नहीं हूं मैं। अगर आप परेशान नहीं है तो मेरे बार बार पूछने पे भी क्यों नहीं बता रही कि रात के खाने में क्या बनाऊं? अब तो साहब भी आ रहे होंगे। आज ना मेरा कुछ भी सोचने को दिल नहीं जा रहा। इतने सालों से इस घर में रहती हो, जाओ कुछ भी बना लो अपनी मर्जी का। क्यों कुछ भी बना लो, आज तो बहुत खास दिन है, बहुत बड़ा दिन है। आज तो बड़ी सी दावत होनी चाहिए। दावत? कैसी दावत छोटी भाभी? बिल्कुल वैसी ही दावत जैसे तुम्हारे वहाद साहब के बिजनेस ज्वाइन करने पर हुई होगी। वैसे मैं तो यहाँ नहीं थी, लेकिन उस वक्त तो बहुत बड़ी दावत हुई होगी ना। छेला तुमने तो देखी होगी ना? वो तो छोटी भाभी बहुत बड़े होटल में हुई थी। और पता है भाभी, भाई सब कितने स्मार्ट लग रहे थे उस दिन। भाई साहब तो कॉलेज में थे तभी बिजनेस में आ गए थे, और बड़े साहब भी कितने खुश थे उस दिन। तुम्हारे बड़े साहब तो अब भी बहुत खुश हैं। अब तुम जाओ और खूब से खूब बड़ी दावत का इंतजाम करो, क्योंकि आज मेरी बेटी रजा अहमद की बेटी ने बिजनेस में कदम रखा है। और तुम फिक्र ना करो शैला, वहाद साहब से बहुत बड़ी दावत होगी। जाओ तुम एहतमाम करो। बहुत बुरा लग रहा है ना आपको, जलन सी हो रही होगी कि वरीशा कैसे बिजनेस में शामिल हो गई, जहां अब तक आपके बेटे और मियां का राज था, तो वो वरीशा का राज कैसे हो गया? इस बार तो भाभी जी आपकी सारी साजिशें ना फुस निकली। बेटा भी हाथ से गया, मियां ने भी घास नहीं डाला, और बिजनेस से भी हाथ धो बैठी। महक, अगर तुम्हें ये लगता है ना कि मैं तुम्हारी बातों से डर गई हूं, तो चलो तुम्हें खुश करने के लिए कह देती हूँ कि वाकई में डर गई। लेकिन तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी बातों से खौफ नहीं आता, अफसोस होता है। वो
ऊपर बैठे अल्लाह को भूल करना, तुम नीचे जमीन पर चलते हुए इंसानों के साथ खेल खेलते खेलते भूल चुकी हो कि नुकसान तुमने ही उठाना है। वरना कोई सगी माँ अपनी बेटी को उसके सौतेले बाप के आगे खिलौना बनने नहीं देती। मैं ये दवाएं चाहती ना तो मुख्तार के सामने रख देती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम कोई ना कोई कहानी सुनाकर उनका इत्माद जीत लोगी। इसलिए मैं चुप रही क्योंकि मुझे अपने अल्लाह पे भरोसा है और इस भरोसे के बायस मैं चुप हूं। ये नकाब वक्त आने पर खुद वरीशा तुम्हारे चेहरे पर से उतारेगी। क्योंकि वो रजा अहमद की बेटी है। रजा अहमद जो एक बावफा शौहर और एक बहुत मोहब्बत करने वाला बाप था। उसकी बेटी धोखा कैसे दे सकती है, क्योंकि रजा अहमद की मिट्टी में तो धोखा था ही। जो खेल तुम और महमूद खेल रहे हो ना, उसे शुरू तो तुम लोगों ने किया, लेकिन खत्म रजा अहमद की बेटी वरीशा अहमद ही करेगी। शैला, 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 कुछ पकाने की जरूरत नहीं है। मैं वरीशा के फेवरेट रेस्टोरेंट से ना खाना ऑर्डर करूंगी, क्योंकि वाकई दिन तो बहुत बड़ा है, सेलिब्रेशन तो बनती है ना मैं।